नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार एक ऐसा कार्यक्रम है जो आपको प्रकृति से जोड़ता है, जो आपको आयुर्वेद से जोड़ता है। आयुर्वेद जो एक हमारी प्राचीन धरोहर है, ऐसी चिकित्सा पद्धति जो पूर्णतः वैज्ञानिकता पर आधारित है, लेकिन आज के इस दौर में कहीं ना कहीं हम अपनी उसी धरोहर का इस्तेमाल यानी सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। या तो एक ओर हमें समय का अभाव है या दूसरी ओर हमें ज्ञान का अभाव है, जानकारी नहीं होती इसके बारे में। जो घरेलू उपचार, जो आयुर्वेद के माध्यम से रामबाण उपचार आप सभी को जानने चाहिए, वो अक्सर नहीं पता होता, जिसका खामियाजा आपके सेहत आपके स्वास्थ्य को भुगतना पड़ता है। क्या कुछ हमें सावधानी रखनी है, क्या कुछ हमें परहेज़ करना है और कैसे हम अपने आप को एक सुरक्षा घेरा बना के रख सकते हैं, उसके अंदर रख सकते हैं, अपनी सुरक्षा अपने हाथ हम कैसे कर सकते हैं, वो सारी जानकारी आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलती है और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए संदेश भेज सकते हैं। और इससे पहले कि हम कार्यक्रम की शुरुआत करें, आप सभी को मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाएँ, जो सावधानी, जो परहेज़ बताई जाए, उनको आप लिख ज़रूर लिया करें, क्योंकि यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो ये नुस्खे, ये उपचार आपके साथ आपके जहन में उम्र भर बने रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। गुरु जी, आज के इस अंक में हम चर्चा करने जा रहे हैं तमाम उन बहन, तमाम उन महिलाओं के बारे में जिनका अक्सर गर्भ जो ठहरता है उसमें दिक्कत हो जाती है, गर्भ ठहर नहीं पाता सही से और समय से पहले ही उसमें नुकसान हो जाता है, जिसे मिसकैरेज भी कहते हैं। बहुत सारी दिक्कतें इस तरीके की आती हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आखिर महिलाओं को इस तरीके की दिक्कतें आखिर होती हैं तो उसकी असली वजह क्या होती है? गर्भपात होने का एक कारण, इसके तीन चार कारण जी। पहला कारण तो यह है कि यदि औरत का मासिक धर्म ठीक नहीं है तो गर्भ रुकेगा जरूर, परंतु डेढ़ दो महीने खंडित हो जाएगा जी। दूसरा कारण है, यदि यूट्रस के अंदर सूजन है तो जैसे गर्भ बढ़ने लगता है उसको जगह मिलती गिर जाता है जी। तीसरा कारण है कि यदि उसका खान पान ठीक नहीं है तो भी गिर जाता है जी। और इसमें कारण चाहे कोई भी है, आयुर्वेद के अंदर स्वस्थ विचार में ऐसे तो हमारे पास सैकड़ों दवाइयाँ हैं गर्भ को रोकने की, गर्भ को खंडित होने से बचाने की, परंतु जो नुस्खा अभी मैं आपको टीवी के माध्यम से बताने जा रहा हूँ, ये नुस्खा है गाय के दूध का और गाय के घी का। हमें ऐसी गाय चाहिए जो जंगल में चरती हो और जिसके साथ बच्चा हो, मर या जिसका बच्चा मर चुका उस गाय का दूध नहीं। जब बच्चे वाली गाय का दूध आप निकाल रहे हैं और उसको हल्का गर्म करके और गाय का घी उसमें मिला के पीते हैं तो जो भी आपके शरीर के अंदर, चाहे मर्द के अंदर कमी है चाहे औरत के अंदर कमी है, जो भी कमी है सारे को दूध ही समाप्त कर देता है अकेला उसी का घी के साथ। परंतु इसका नियम है कि आपको कम से कम तीन महीने ब्रह्मचर्य रखना पड़ेगा दोनों। तो इसमें सुबह एक गिलास शाम को दूध को एक उबाली देकर नीचे उतार लें, जब उसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रह जाए तो उसमें एक चम्मच घी मिला दें गाय का और उसको पीने में आधे घंटे का समय लगाएं। अब आपने दो घंटे कुछ नहीं खाना पीना, तो जाके जितनी भी हमारे शरीर के अंदर कमियां जो संतान को रोकती हैं
खंडित होने से बचाती हैं, सब कमियों से दूर हो जाती है। क्योंकि गाय ने जंगल में जड़ी बूटियां खाई है, उसका जो अंदर उसके दूध के और घी के साथ असर गया, वो असर सारा उस रोग को समाप्त करता है। और ये नुस्खा मैंने एक या दो औरतों पे नहीं, मैंने पता नहीं कितने हजारों औरतों के ऊपर अजमाया है। और जिनकी शादी हुए 15-15, 20-20 साल हो गए थे, जिनको संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी, आज उनके घर में दो दो तीन तीन संतान है। तो इसमें सबसे पहले तो आपको जीभ का स्वाद छोड़ना पड़ेगा। मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, बेटाइमा खाना, बासी खाना, ये बिल्कुल बंद। खाना हमेशा ताज़ा गर्म खाना, और जिस भी अनाज को लेना उसकी चोकर नहीं निकालनी, छिलका उसे उसके साथ होना चाहिए, तब जाके काम करता है। यदि छिलका निकाल के फेंक दिया तो काम नहीं करेगा, ये भी ध्यान रखना। दालें हैं, सब्जियां, सब छिलके वाली। दिन का खाना 12 बजे से पहले पहले, रात्रि का खाना दिन अस्त होने से घंटा डेढ़ घंटा पहले खा लेते, सोने पे स्वागत है, तो दिन अस्त होने के एक घंटे के अंदर खाना अति आवश्यक है। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है, तब आपको लाभ होगा। अब खाना खाने के बाद दिन में आप दातन कूड़ा करके आप 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठ जाए, फिर वज्रासन से उठ करके 10 मिनट सैर करके आप 20 मिनट के लिए सब आसन लेट जाएं, फिर 5 मिनट बाएं साइड करवट लें, 3 मिनट के लिए दाएं साइड करवट लें। अब उठ करके आपने जो भी कार्य करना करे, शरीर के अंदर भी आपको इतनी चुस्ती आएगी कि जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे। अब इसके बाद रात्रि का खाना खाने के बाद 5 मिनट जब आप वज्रासन से उठ गए तो आपको आधा घंटा सैर करनी पड़ेगी, उसके बाद 1.5 घंटा आपको विश्राम करना, उसमें धार्मिक सीरियल देखें, चाहे धार्मिक किताबें पढ़ें, चाहे अपने पराये से किसी से बातचीत करें। 9 से 10 के अंदर सो जाना, सुबह 4 बजे उठ करके एकदम आपका पेट ऐसे साफ होगा जैसे सिर से बोझा फेंकते हैं, बाथरूम बाद में आएगा। फिर दातन कूड़ा करके आधा घंटा कपाल भाटी, 15 मिनट भस्त्रिका का, 8 से 10 बार अग्निसार, 15-20 बार उजई, 25-30 बार भ्रमणी, 1 घंटा लोन बलोन करना अति आवश्यक है, तब आपको पूर्ण लाभ। जब आप इस क्रिया को करेंगे और गाय का दूध पिएंगे तो 3 महीने के बाद जब भी औरत का मासिक धर्म आने के बाद जब औरत स्नान कर लेती है, सिर धो लेती है, उसके बाद से लेके और 13 दिन के अंदर अंदर एक दिन उसके अंदर से बहुत ज़्यादा पानी छूटता है और उसकी उस टाइम प्रबल इच्छा होती है अपने आदमी से बात करने की, वही 24 घंटे का समय होता है संतान को रोकने का, आगे पीछे का समय नहीं होता। कमल कुमार सनोफ श्री बलबीर सिंह, हाउस नंबर 884 सेक्टर 7 कुरुक्षेत्र। ये मेरी पत्नी है और ये लड़का है छोटा जिसका नाम सार्थक। मेरी मिसिज को बच्चे ठीक नहीं होते थे, जिसके लिए मैं ऑल इंडिया PGI सारे को घूमा। PGI वालों ने बोला भी ऑल इंडिया में चेक कराइए, नेक्स्ट बच्चा जब भी होगा जैसा होगा वही बताएंगे, चेक करने के बाद ही पता लगेगा कैसा बच्चा है, वैसे ठीक नहीं हो सकता 100%। पहले मैं मेडिकल नहीं गया, मेरे को एक ट्रेन में लेडीज़ मिली जिन्होंने बताया भी ऐसे, मतलब वैसे बात चल गई आपस में जी, उनका लड़का जो है किसी रोग से पीड़ित था जो अपना लेटरिन बाथरूम वगैरह बता नहीं सके था, तो उनकी ट्रीटमेंट चल रही थी बाबा जी से, तो उन्होंने पूछा, उससे पूछा, वैसे पूछ बैठा मैं भी क्या प्रॉब्लम बच्चे को, उन्होंने बताया भी ऐसे करके इसको प्रॉब्लम है, तो आप दवाई कहाँ से ला रहे हैं। मैंने उनको बोला भाई मेरे को भी बताओ इस बारे में भी कहाँ से मिल सकती है दवाई, तो उन्होंने पंडित जी से बात करी, करने के बाद मेरे से कहने लगे आप ले जाओ इसको, मैं यहाँ ले आया मिसिज को, तो यहाँ से फिर ट्रीटमेंट शुरू करें। नहीं एकदम तो विश्वास नहीं हुआ जी, ऐसे तो देखते रहे जी हम क्या, मिसिज को तो लास्ट तक विश्वास नहीं हुआ था, फ़ोन करते रहे, विश्वास देते रहे, वैसे डॉक्टर पे नहीं गए हम जी, डॉक्टर यही कहते थे भाई बच्चा ठीक नहीं हो सकता।
बस टीका इंजेक्शन लगाने के लिए गए थे, उन्होंने कहा भी चेक कराओ ऑल इंडिया में, जहाँ भी चेक कराना जरूर चेक कराओ बच्चे को। लेकिन आपने चेक नहीं कराया? नहीं जी, एकदम विश्वास किया था और आपके संतान सही ढंग से बिल्कुल बच्चा बिल्कुल ठीक हुआ जी। तो अब आप कैसे लगते हैं? अब तो बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए आए जी, मत्था टेकने में, चलो मत्था टिकाएंगे बताएंगे तुमको। छोटा था इसलिए नहीं आए। नमस्कार, मेरा नाम यशु राठी है, मेरी उम्र 33 साल की है और मैं पंचकुला से आई हूँ। मेरे को शादी के बाद से ही जो एक महिलाओं में आम तरह की प्रॉब्लम होती है, उस तरह की प्रॉब्लम होने लग गई। मैंने अपना PGI चंडीगढ़, PGI रोहतक और एम्स में और बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टर्स को अपना इलाज कराया, लेकिन हर बार हर डॉक्टर का अलग अलग ओपिनियन होने की वजह से एक कोई प्रॉब्लम पे कोई भी डॉक्टर नहीं निकल पाया। और हर महीने मुझे या तो हार्मोन्स का इंजेक्शन या हार्मोन्स की मेडिसिन खानी पड़ रही थी, जिससे एक तो मेरे अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि मेरा वेट बढ़ गया, मेरी जो याददाश्त थी वो कमज़ोर होती गई, आईसाइट थी वो वीक हो गई और मेरे अंदर इतना लेजीनेस, थायराइड की प्रॉब्लम और मेरे साथ साथ आ गई। तो इससे मैं इतनी परेशान हो गई थी कि मेरी जैसे जैसे आगे आगे एज और होती गई तो मैं और हर तरह की प्रॉब्लम से इनसे इतनी घबरा चुकी थी कि भी मुझे अब लग रहा था कि मैं शायद कभी नहीं ठीक हो पाऊँगी। लेकिन TV में बाबा जी को, गुरु जी को देखा तो मेरी मामा जी, मेरी मम्मी और मेरी मौसी जी सबसे पहले यहाँ पर आए थे, मेरे मामा जी को और इनको प्रॉब्लम थी उनको लेकर। मेरे मामा जी को आराम हुआ तो मेरी मम्मी के अंदर विश्वास जागा, तो फिर वो मुझे यहाँ लेकर आए। मैंने विश्वास से, उन्होंने कहा कि परहेज़ कर सकती हो तो खाना, मैं परहेज़ नहीं कर सकती थी लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों एक श्रद्धा से जागी कि भी यीशु जहाँ इतनी दवाइयाँ खा के देखी है वहाँ ये और करके देखी। तो मैंने श्रद्धा से 15 दिन लगकर जो भी स्वामी जी ने मेरी दवाइयाँ दी मैंने वो खाई। सबसे बड़ी बात, मुझे आके जैसे यहाँ डॉक्टरों को बताना पड़ता था कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे गुरुजी को कुछ नहीं बताना पड़ा। उन्होंने मेरी नाड़ी देखी, खाली पेट बुलाया था, उन्होंने मेरी नाड़ी देखी और नाड़ी देखने के बाद उन्होंने अपने आप ही मेरी सारी जो थी तकलीफें उन्होंने वो सारी अपने आप ही जान ली और मुझे कहा कि बेटा ये लग कर विश्वास से दवाई खा। और मैंने 15 दिन दवाई खाई, मेरा 84 kg वेट था और अब मेरा 76 हो गया। मैं बहुत ज़्यादा हल्का महसूस कर रही हूँ, मेरी आई साइड में भी बहुत फ़र्क हुआ है और सबसे बड़ी बात, मेरे को जैसे मेरा वेट बढ़ता गया था मेरे अंदर एक स्नोरिंग की प्रॉब्लम हो गई थी कि मैं खर्राटे बहुत ज़्यादा लेती, तो मेरे खर्राटे अब बिल्कुल बंद हो गए। मैं बहुत एक्टिव महसूस कर रही हूँ अपने आप को पहले से। फिलहाल हमारे साथ दर्शक हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या है उनकी समस्या। हेलो, हाँ नमस्ते गुरुजी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम किरण गोई है। किरण जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं सांगली से बात कर रही हूँ जी। किरण जी, गुरुजी आपको सुन रहे हैं, सीधा आप गुरुजी से सवाल पूछ सकते हैं, कहिए। अच्छा गुरुजी, मेरा बेटा 9 महीने का है और जन्म से उसके पीठ के पीछे ना हरे रंग का दाग है। हाँ, पीठ के स्किन पर जी दाग है उसके पीछे। देखो बेटा, मन ग्रांत तरीके से कोई भी उपचार नहीं करता। मैं बुधवार की छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। आप बच्चे को लेके आए मेरे पास बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेके मंगलवार के बीच में और सुबह 9 से 10 के अंदर आप अपना नामकरण कराएंगे। आपने बिल्कुल खाली पेट आना, बच्चा 8 महीने का जो दूध आप छाती से पिलाती उससे उसके रोग का पता लग जाएगा और उसके बाद आपकी नब्ज से जो भी आपके अंदर से कोई चीज़ उसके शरीर में गई या उसका कोई नुक्स पड़ा हो आपके शरीर से पता लग जाएगा। फिर दवाइयाँ हैं खाने के या पीने के या मालिश करने के तेल हैं, जो भी उसके अंदर कमी पड़ेगी वो चीज़ें दी जाएंगी। ये चीज़ें ठीक ढंग से आप प्रयोग में करते हैं, परहेज करते हैं तो कैसा भी दाग है कोई भी चीज़ है 1-1.5 महीने में समाप्त हो जाएगी। तो बिल्कुल आपको जो भी उपाय, मतलब यानी जो आपको सलाह दी गई है वो यही है कि एक बार बच्चे को लेकर आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना है, क्योंकि केवल बोलने के आधार पर यानी लक्षणों के आधार पर उपचार नहीं दिया जाता, उपचार होता है पूरी तरह से जांच करने के बाद। और यदि इस तरीके की समस्या है तो वास्तव में आपको ज़रूर आना चाहिए, दिखाना चाहिए कि क्या है ये बच्चे के साथ दिक्कत, कहीं ऐसा ना हो कि ये समस्या आगे आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ जाए। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, नंबर आपके TV स्क्रीन पर है। दर्शकों, आप यदि इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल देर ना करें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। फिलहाल
जो आप सभी दर्शकों के हमारे पास संदेश आए हुए हैं उनमें से हम एक संदेश लेंगे। जैसा कि बताया है सुरेश पाल जी ने मैसेज किया है, सांस लेने में बहुत तकलीफ़ होती है, छोटा बच्चा है लगभग 5 महीने का और उसको सांस लेने में बहुत तकलीफ़ हो रही है। जब भी डॉक्टर्स के पास ले जाते हैं तो 2-3 दिन के लिए उसको एडमिट किया जाता है नर्सरी में और उसको ऑक्सीजन और ये रखा जाता है, लेकिन वो परमानेंटली क्या प्रॉब्लम है ये डॉक्टर्स भी नहीं बता पा रहे हैं। देखिए, बच्चे के शरीर में जो भी रोग पैदा होता है वो माँ की छाती के दूध से होता है। यदि उसकी माँ ठंडी चीज़ों का सेवन ज़्यादा करती है, बासी खाना खाती है, बेटेमा खाना खाती है और उसके दूध से उसको नज़ला जा रहा है तो उसके सांस की नाली में, फेफड़ों में जब नज़ला रुकेगा तो सांस में तकलीफ होगी। अब इसका उपचार आपको टीवी के माध्यम से मैं बताता हूँ तो आप उसमें कंफ्यूज होंगे बल्कि नुकसान उठा लेंगे। आप ऐसा कीजिए कि बच्चे को और उसकी माँ को मेरे आश्रम में लाइए, जिस दिन आना है उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातुन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूस लें। सुबह 9 से 10 के अंदर इसकी माँ की नाड़ी परीक्षण कराना। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलवे से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ इसके हो जाएंगे और उससे पता लगेगा कि बच्चे को कौन सी बीमारी गई, कौन सी दवाई देनी है। फिर जो दवाइयाँ दी जाएंगे नियम से दवाई खिलाएंगे, परहेज करेंगे तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उस दिन के बाद ना तो बच्चे का सांस फूलेगा ना ही बच्चे को कोई तकलीफ रहेगी। अगले सवाल की ओर रुख कर रहे हैं। अगला सवाल हमें भेजा है हेमा अरोड़ा जी ने और ये अपना सवाल पूछ रही हैं। हेमा जी ने पूछा है, नूतन जी ने पूछा है, 3 लोगों ने ये सवाल पूछा है कि गुरुजी बहुत अच्छा लगा कि ये गर्भ के विषय में गर्भवती महिलाओं के लिए आपने लेकर कार्यक्रम में चर्चा की है। ये जानना चाहते हैं कि कुछ ऐसे टिप्स हमें दी जाए जो कि गर्भ के दौरान रखी जाए और क्या कुछ हमें नहीं खाना वो कोई नहीं बताता कि क्या नहीं खाना है, तो ये चाहते हैं कि ऐसी कोई चीज़ बताएं जिसका हम सावधानी रखें। देखिए, हमारे शरीर के अंदर एक लेबोरेटरी है टेस्ट करने की, जो चीज़ हमें फायदा करेगी उसका रिजल्ट और जो नुकसान करेगी उसका रिजल्ट 1 सेकंड के अंदर मिल जाता है। यदि सूखी खाने की चीज़ है तो बाएं हाथ में लेके ऐसे दिल के ऊपर रख लें और खड़े होकर दायां हाथ सीधा ऐसे कर दें और हाथ को टाइट रखना अपने, दूसरे आदमी को कहे मेरे हाथ को नीचे दबा, यदि उसको हाथ दबाने में जोर लगाना पड़ता है उस चीज़ को खाइए, आपको नुकसान नहीं होगा। और यदि हाथ आपका एकदम गिर जाता है उसको जोर नहीं लगाना पड़ता उस चीज़ को खाएंगे नुकसान करेंगे। बाकी ठंडी चीज़ों का प्रयोग गर्भ के समय पर नहीं करना चाहिए, तर गर्म चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। हरी सब्जियाँ, पत्तेदार सब्जियाँ ज़्यादा से ज़्यादा खानी चाहिए और खाना कभी पेट भर के पूरा नहीं खाना। और खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीना अति आवश्यक है। उसका नियम है कि पानी का टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री से ज़्यादा ना हो। और खाना जो है आपने खाने में और पानी पीने में 1 घंटे का समय लगाना। उसका तरीका है कि 2-4 ग्राय खाना खाया 2 घूंट पानी पिया, 2-4 ग्राय खाना खाया 2 घूंट पानी पिया। जब इस ढंग से आप खाना खाएंगे तो आपका खाना ऐसे पचेगा जैसे आटे में खमीर डाल के आटा एकदम खौल जाता है और उसकी बनाई हुई रोटी अंदर से फूलती है, ऐसे अंदर जाके खाना पचता तो हमें कोई रोग नहीं है। परंतु जब आप सूखी ग्राहियाँ खाते हैं, पानी नहीं पीते, पानी पीते खाना खाने के 1-1.5 घंटे बाद फिर रोगों की भरमार लगती है और बच्चे पे भी और जच्चे पे भी दोनों पे ही नुकसान होता है। और गाय का दूध जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा पी सकती हैं उतना पिए, परंतु गाय का दूध उसी का पीना जिसके साथ बच्चा है। जिस गाय का बच्चा मर चुका उसका दूध बिल्कुल नहीं पीना। उसका दूध पिएंगे तो आपको कोई भी बीमारी हो सकती है और बच्चा जो बड़ा डरपोक होगा। हम आपसे एक और यही अनुरोध करेंगे कि हो सके तो आप
पुस्तकों का सेट आप पढ़ें उसको ध्यानपूर्वक, ताकि और इन कार्यक्रमों को, जो इन कार्यक्रमों में उपचार नुस्खे बताए जाते हैं उनको विशेष तौर पर आप पढ़ें, क्योंकि समस्याएं आपकी बहुत सारी हैं और इतना समय नहीं है कार्यक्रम में कि आपको पूरी तरह कैसे सब चीज़ें बताई जा सकें। तो YouTube के ज़रिए आप इन कार्यक्रमों को देख सकते हैं। YouTube में जो आपको सर्च करना है, स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें, और इनमें कई प्रकार के ऐसे वीडियोस हैं जो अलग अलग बीमारियों पर आधारित हैं। तो आप जिस संबंध में बीमारी को ढूंढना चाहते हैं और उसका उपचार ढूंढना चाहते हैं, तो वो आप सर्च करके उसको पूरा देखें, लिख लें, ताकि आप उस उपचार को करें और आपको राहत मिलेगी। दर्शकों, इन कार्यक्रमों को, जैसा कि मैंने बताया कि YouTube के ज़रिए आप देख सकते हैं, ऐसे ही स्वस्थ विचार कार्यक्रम को संस्कृति टीवी के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाता है, आप उसके माध्यम से देखते हैं। संस्कृति टीवी को विभिन्न प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए आप देखते हैं, लेकिन अब आप मोबाइल पर भी लाइव 24 घंटे आप देख सकते हैं संस्कृति टीवी को। अपने मोबाइल पर MX प्लेयर ऐप डाउनलोड करें आज ही, और यदि आप डेली हंट न्यूज़ पोर्टल के ज़रिए देखना चाहते हैं तो भी देख सकते हैं। इस न्यूज़ पोर्टल को आप लॉगिन करें और देखें कि संस्कृति टीवी चैनल को, जो कि संस्कृति का, यानी हमारे देश की सनातन धर्म की संस्कृति का बिल्कुल मुख्य संवाहक है। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। गुरु जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाजत। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।